नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे ना। कक्षा 3 विषय हिंदी। हिंदी में अगाऊ के वीडियो में हमने पाठ नंबर 16 चित्र पाठ, जिसमें हमने फल और फूल के चित्र देखे और उसका ज्ञान हमें हिंदी में कैसे लिखते हैं उसे हमने देखा। आज हम उसका स्वाध्याय है, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहले है कोष्ठक के से फल फूल के नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो, એટલે કે કૌંસમાંથી ફળ ફૂલના નામ શોધીને ચિત્રોની નીચે લખો। યાની ફળ ઓર ફૂલ કે ચિત્ર દિયે હે ઉસકે નીચે ઉસકા નામ લિખના હે, લેકિન યહાં જો કૌંસ દિયા ગયા હે ઉસી મે સે ચુનકર હમે લિખના હે। ઉસમે પહેલા દેખે તો ક્યા હે યહ, તો કોષ્ટક મે સે દેખે તો ક્યા હે, શરીફા। तो यहाँ हम लिखेंगे शरीफा, शरीफा बराबर। तो यहाँ ये क्या है, किसका चित्र है, शरीफा। तो यहाँ हम लिखेंगे शरीफा, ठीक है। शरीफा जिन्हें गुजराती में हम सीताफल बोलते हैं। इसके बाद है यह किसका चित्र है बताओ, क्या है, अमरूद। क्या है, अमरूद। अमरूद यानी जामफल। इसके बाद हाँ ये कौन सा है, वेरी गुड। क्या है, सूर्य मुखी। कौन सा फूल है, यहाँ सूर्यमुखी का। जो सूरज उगता है तभी यह फूल भी खिलता है। अब आगे यह क्या है, हाँ ये तो सभी को आ जाएगा। क्या है यह, अनार। क्या है, अनार। क्या है, अनार, जिसको गुजराती में हम क्या बोलते हैं, दाड़म। और ये केला। क्या है, केला। इसके बाद यह क्या है, नहीं पता, चलो हम देखते हैं आगे। कौंस में से क्या है यह, मोगरा। क्या है, मोगरा। तो हम यहाँ लिखेंगे मोगरा। क्या, मोगरा। उसके बाद यह तो सभी को बताए, मीठा मीठे आम। क्या है, आम। क्या है, आम, वेरी गुड। अब यह किसका चित्र है बताओ, सेब यानी सफरजन। अब यह क्या है, अनानास। क्या है यह, अनानास। और यह किसका फूल है बताओ बताओ, क्या है, गुलाब। किसका फूल है, गुलाब का। और यह क्या है, तरबूज। क्या है, तरबूज, जिसे गुजराती में हम तरबूज कहते हैं। अब यह किसका फूल है, कमल। क्या है, कमल। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सब फल और फूल के नाम थे, आपकी बुक में भी है, जो इसमें से आपको नीचे उसके नाम पेंसिल से लिखना है। और यह फूल और फूल के नाम आपको हिंदी में याद रखने हैं और लिखने हैं। अस्तु।